नमस्कार, आप देख रहे हैं SSC को यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश सिंह रावत आपके साथ। बिहार SSC इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम 8 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक होने वाला है। 8 दिसंबर का पेपर लीक था, वही पेपर हम आपको यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ऐसा वीडियो अगर और भी चाहिए आपको तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और क्या था पैटर्न का लेवल, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है आपके लिए, ताकि आप आने वाले जो भी एग्ज़ाम आपका है 9-10 को, तो आप उसका प्रिपरेशन कर सकें। यहाँ पे बोला गया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि डिजिबिलिटी रूल से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो 783, 863, 1021 यहाँ पे बोला गया है 3, 5, 7 शेष होता है, तो इसको एलसीएम लेके बना सकते हैं। आपने अगर वो पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, एक पतली सुई पानी में तैर सकती है, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, सुई का द्रव्यमान जल से कम होना चाहिए, तो पृष्ठीय तनाव, यहाँ पे आप इसका राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। किस महिला एकल विमंडलम चैंपियन 2017 जीता गया था, इसको आप गूगल कर लीजिए एक बार, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, किस देश ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 जीता, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान। ये मुझे याद है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बाकी बात यहाँ पर आपका ऑड पूछा गया था, तो जून, मई, अगस्त, जुलाई इस तरह से था, जिसमें से जो भी आपको ऑड लगता है उसका यहाँ पर आप आंसर देते, ठीक है। उसके बाद आपका एक सवाल पूछा गया था, यहाँ पे रीता अपने वेतन का 1/5 खर्च करती भोजन पे, 1/2 शिक्षा पे, 1/10, तो यहाँ पे देखो अगर 1/5 यानी टोटल उसका 5 है, उसमें से ये खर्च कर देती है भोजन पे, तो बच गया 4। अब 4 में 1/2 शिक्षा पे खर्च कर रही है, यानी कि 1/2, तो इस तरह से आपको अगर इसको बनाते हैं फ्रैक्शन मैथड से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा परसेंटेज का वीडियो देखिएगा, हमने आपको वहाँ पर पूरा क्लियरली पढ़ाया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आप ईजिली उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था 0.3, ठीक है, उसके बाद 0.003 कितने गुना अधिक है, इस संख्या से पूछा गया था, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे अगला सवाल पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुनें, यानी कि आपको नेक्स्ट नंबर पूछा था, यहाँ पे था 24, 42, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे था 52, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको डबल कर दें हम तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका हो जाएगा इससे -6, तो यहाँ पर 26 से भी रिलेटेड इसी तरह से यहाँ पर होगा, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे अगला सवाल पूछा गया, लाल किला निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शाहजहां। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो कई सारे ऑप्शन है लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिला पंचायती राज अधिकारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो नीचे कमेंट बताइएगा, ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और हमारे चैनल पर अगर आप नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों 8 दिसंबर का पेपर लीक था, हम आपको फिर से इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो टाइटल पर क्लिक कीजिएगा और वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ओके, बाय।